भांग वांग नहीं खाया मैंने, समझ रहे हो ना, दारू वारू नहीं पिया है। मात्र 51,000 रुपए दे के भाई इस प्रीमियम चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने घर पे ला सकते हो। भाई बजाज ही इतना सोचता था। और भाई प्लेटिना के बगल में इस गाड़ी को खड़ा कर दें तो क्या कहते हो बताओ, मतलब इसी को ले आए क्या घर पे, ये भी बताना थोड़ा कमेंट करके भाई। कैसी लग रही है? अरे 51,000 में खराब क्या है बताओ, मतलब इसका भी ब्लैक और उसका भी ब्लैक मैच नहीं कर रहा। हेलो भाई, मवंगित भाई सामने देखो खड़ी है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, अभी ब्लैक कलर में क्या लग रही है भाई, देखने में एकदम चमक चमक सा रहा है यार, मजा सा आ जा रहा है देखने में। अब आप बोलोगे भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंटरेस्टिंग क्या है? भाई सब चीज़ इंटरेस्टिंग है, प्राइस से लेके फीचर से लेके हर एक चीज इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले की देखो भाई, आपको इसमें रिमोट की मिलता है, आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, इग्निशन ऑन कर सकते हो। और प्राइस की बात करते हो तो मात्र भाई 51,000 दे के इस गाड़ी को ला सकते हो अपने घर पे। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ भाई, भांग वांग नहीं खाया मैंने, समझ रहे हो ना, दारू वारू नहीं पिया है। मात्र 51,000 रुपये दे के भाई इस प्रीमियम चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने घर पे ला सकते हो। अभी इसमें अपने को चार कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये एक कलर है और इसके अलावा एक ये कलर है आपका और ये कलर है, और रेंज वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है। इसके अलावा इसका टॉप स्पीड वगैरह जो है ना भाई, वो भी एक नंबर अपने को मिलता है। वीडियो देखो, सब चीज़ पता चलेगा। और कंपनी का मैं आपको नाम बताऊं तो देखो आप खुद ही पढ़ लो भाई, और मॉडल का नाम है लियो। ये थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया है भाई, थोड़ा सा इग्नोर करना, आवाज़ वगैरह आ रहा होगा। अभी फ्रंट की बात करते हो तो ये वाला देख लो भाई, जो सेक्शन है ना, ये DRL का सेक्शन है, ये पूरा अपने को LED ऑफर करता है भाई। बताओ ये कंपनी वाले कितना दयालु हो गए हैं, हमें 51,000 रुपये में इतना फीचर्स भी दे रहे हैं, इसके अलावा LED भी दे रहे हैं, और इसके अलावा रेंज भी दे रहे हैं भाई। खैर ये सब छोड़ो भाई, अपने को प्रोडक्ट से मतलब है। इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, मैं आपको दिखलाता हूँ भाई। अभी देखो, फिर देखो इस टाइप का मिलता है आपको, ये DRL का सेक्शन हो गया, ये भी DRL का सेक्शन हो गया। इसको आप ऑफ कर सकते हो कि नहीं, रुको देखता हूँ, इसको भी ऑफ कर सकते हो भाई, बैटरी बचाना है तो ऑफ कर लो आराम से। बाकी ऑन करना है तो ये जलेगा, बाकी एक बार और ऑन करोगे तो आपका ये हेडलाइट जल जाएगा। ये भी बड़ा प्रीमियम सा लग रहा है यार। अभी ये सब अपने को फाइबर ही मिलता है। इंडिकेटर की बात करते हो तो ये वाला इंडिकेटर हो गया, और राइट इंडिकेटर की बात करते हो तो ये वाला हो गया भाई, ये भी LED मिलता है। अभी लो बीम हाई बीम की बात करते हो तो देख लेना भाई, ये आपका लो बीम हो गया, ये आपका हाई बीम हो गया। थ्रो यार अच्छा कर रहा है भाई, देख रहे हो मेरा जींस पे आ जा रहा है। बैटरी फालतू में क्यों यूज करना, आप इसको बंद करते हैं। बड़ा एग्रेसिव सा इन्होंने डिजाइन दे रखा है। इसके अलावा भाई देखना जरा, यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और इस पे कवर भी मिलता है। मतलब आपको कभी कीचड़ वीचड़ में ले जाना हो तो आपके सस्पेंशन पे कोई दिक्कत आएगा ही नहीं भाई। कंपनी वाले कितना सोच रहे हैं यार हमारे बारे में, भाई बजाज ही इतना सोचता था। खैर ये सब छोड़ो भाई, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता ही मिलता है भाई। इसके अलावा नीचे आते हो तो एलॉय भी मिलता है, वो भी डायमंड कट का। अभी सेक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे अपने को ऑफर करता है भाई 3.0010, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 0.0 हो गया, बाकी 10 इंच का अपने को एलॉय मिल जाता है। चक्का छोटा है मैं मानता हूँ, लेकिन भाई फीचर्स इतना है ना, मतलब मजा सा आ जाएगा यार देख के। आपको फीचर में आपको एक एक चीज़ दिखलाऊंगा। अभी साइड की बात करते हो तो देख लो, साइड से ऐसी दिखती है भाई, साइड से भी आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कम प्राइस वाली गाड़ी है, समझ रहे हो ना। पूरा ब्लैक कलर में इन्होंने ग्राफिक्स वगैरह डाल रखा है रेड कलर का, मजा सा आ रहा है देखने में भाई। यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी में हुक नहीं आता भाई, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे चाबी वाबी लगाने के लिए सिस्टम मिल जाता है, और यहीं से आपका बूट भी खुलेगा भाई। मल्टी फंक्शन की स्विच है भाई, देख सकते हो, और यहाँ पे बूट स्पेस भी है भाई। कुछ चीज़ आपको मतलब वो नहीं करना है, समझ रहे हो ना। बहुत सारी हमने गाड़ी देख रखा है, प्राइस ज़्यादा होता है, फीचर्स ही कम होता है। किसी किसी में प्राइस भी चलो ठीक है, लेकिन आपको बूट स्पेस नहीं मिलता, इसके अलावा बहुत चीज़ नहीं मिलता यार। मेन अभी फोकस करते हैं भाई इस गाड़ी पे, समझ रहे हो ना, अभी दूसरी गाड़ी की बात ही नहीं करते हैं। इसमें आपको दुनिया भर का फीचर्स मिलता है। देखो ग्रैब रेल देख लो, आपको ये आपको मेटल का मिलता है भाई, आराम से पकड़ो कर सकते हो। टेल लाइट देखते हो तो इस टाइप का मिलता है, अभी ये हैलोजन में है भाई। बाकी ये वाला भी मेरे हिसाब से LED है। बाकी नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है, ये नॉन RTO गाड़ी है भाई, आपको नंबर वगैरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसके अलावा ये देखो भाई, मडगार्ड भी अपने को फ्लेक्सिबल मिलता है, और यहाँ पे कार्बन का फिनिशिंग मिल जाता है। अभी देखो थोड़ा सा कोई पीछे से ठोकता भी है ना, टूटे उटेगा नहीं। यहाँ पे अपने को दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रियर की बात करते हो तो रियर में अपने को भाई ड्रम ब्रेक मिलता है। अभी ये भी टायर 3.0010, ये 3 है, ये 0.0 है, बाकी 10 इंच का अपने को ये व्हील मिलता है। अभी इसमें हब मोटर आता है, जो कि 66 वाटरप्रूफ है भाई, मतलब वाटरप्रूफ है, पानी वानी में ले जाते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूल आपको सस्पेंशन मिल जाता है, वही शॉक एब्जॉर्बर नहीं होगा, हाइड्रोलिक टाइप है भाई, जो कि ठीक लग रहा है देखने में। इन्होंने ये थोड़ा सा रेड का ट्रीटमेंट दिया है ना, तो अच्छा लुक निकल के आ रहा है। अभी एक बार राइट से भी दिखलाना चाहूँगा तो देख सकते हो, वैसा ही डिजाइन मिलता है जैसा उस साइड है, वैसा ही इस साइड है भाई, कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता। ऐसे आप पुश करोगे तो ये आपका
पिलियन वाला फुटबैग खुल जाएगा। इसमें लेडीज वाला फुटबैग जो है ना वो आपको एसेसरीज के तौर पे लेना पड़ेगा, ये आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी यहाँ पे भी ग्राफिक्स वगैरह मिल जाता है और अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है भाई फ्लोर पे। अभी इस पे मैट वगैरह भी मिलता है भाई, ऐसा नहीं है कि मैट वगैरह नहीं मिलेगा। अभी मैं खड़ा हूँ भाई, देखो सुषमा ऑटोमोबाइल्स करके इनका शोरूम है अंबिकापुर में, अगर आप आसपास से बिलोंग करते हो तो आ सकते हो भाई। यहाँ पे इनका देखो नंबर इतना सारा है, 4 नंबर है भाई, किसी पे भी कॉल कर सकते हो बिंदास, और आपको यहाँ पे दुनिया भर का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। यहाँ से बात करते हो तो देख लो, लियो आपकी इस तरीके की दिखती है भाई। अभी इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, देखो ऐसे टाइप का इग्निशन मिलता है, और अभी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, ये बटन दबाओगे तो गाड़ी चलने के लिए रेडी हो जाएगी। अभी मैं आपको टॉप स्पीड वगैरह भी टेस्ट कराऊंगा। यहाँ पे ऑडोमीटर मिल जाता है, बैटरी का गेज, और इसमें आपका ये भी आता है, गियर आता है ना भाई, मैंने आपको बहुत सारी गाड़ी में दिखला रखा है। तो ये हो गया एक, अभी 2 लगाएंगे तो 2 हो गया, 3 लगाते हो तो 3 पे लग गया भाई। अगर 3 पे ज़्यादा चलाओगे ना तो थोड़ा सा रेंज कम मिलेगा, लेकिन हाँ 1 नंबर पे चलाओगे तो भाई 60 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी, और टॉप स्पीड 40 से भी ज़्यादा मिलता है भाई। वैसे ये गाड़ी में तो दिखता 40 है, लेकिन 50 आपको टॉप स्पीड तो मिलता ही मिलता है। और इसमें मैं आपको बता रहा था ना, ये तो आ गया आपका इमरजेंसी वाला स्विच, बाकी ब्रेक वाला भी अच्छा खासा मिलता है भाई, क्वालिटी का। क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं करना। ये हो गया लो बीम हाई बीम, ये हो गया इंडिकेटर, हॉर्न सुनना भाई, लग रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का हॉर्न है, देख रहे हो बढ़िया आवाज़ कर रहा है। बाकी भाई राइट में आते हो तो यहाँ पे हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का बटन मिल जाता है। मतलब बाई चांस आप चलाते चलाते बोर हो रहे हो भाई, देखो गाड़ी स्पीड में है, मैंने अभी कितना अचीव करा है 34, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल लगा दिया मैंने, तो देखो क्रूज कंट्रोल गाड़ी लग चुकी है। मैंने थ्रॉटल वगैरह कुछ नहीं दिया, गाड़ी देखो उतना के स्पीड में चल रही है। बाकी इसको बंद करना है तो आप ब्रेक दबाओ, आराम से आपका क्रूज कंट्रोल खत्म हो गया। बाकी यहाँ पे गियर वाला मैंने आपको बताया, यहाँ पे रिवर्स वाला, मतलब आपको पीछे ले जाके पार्किंग वगैरह करना है, जैसे मैं ऐसे जगह पे हूँ, यहाँ पे मेरे को गाड़ी पार्क करना है, तो आराम से आप पीछे वाला ऐसे दबा के ऐसे देखो गाड़ी आपकी पीछे जाने लगेगी। अभी देखो जा रही है ना, वो अच्छे से दबाना पड़ता है, देखो जा रही है ना। तो ये सीन है भाई, इसमें रिवर्स मोड भी मिलता है। अभी यहाँ का पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया, लगे हाथ इसका टॉप स्पीड भी चेक कर लेते हैं। मिरर भी अच्छा लग रहा है यार देखने में, मैं तो ये बताना भूल ही गया। देखो गाड़ी 1 नंबर में यहाँ पे भी शो हो रहा है, तो टॉप स्पीड थोड़ा अचीव करते हैं। तो 1 नंबर में आपकी गाड़ी 23 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, बाकी सेकंड करते हो चलते चलते भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31, और तीसरे में जाते हो तो भाई आपकी 40 तक टॉप स्पीड। हालांकि ये अगर रोड पे चेक करोगे तो भाई 50 से कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही चक्का घूम रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा। इतना कुछ तो बता दिया भाई, अभी थोड़ा इस पर बैठ के देखते हैं यार, बैठने पे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखते हैं। थोड़ा ड्यूल स्टैंड से मैं हटाता हूँ इसको, बहुत ही हल्की गाड़ी है यार, मतलब मेरे हिसाब से आपको 100 kg से कम ही आपको ये मिलता है इसका कर्वेट। अब इसमें 250 किलो तक आपको कैरिंग कैपेसिटी मिल जाता है, मतलब 250 किलो तक आराम से इसमें उठा सकते हो सामान, बाकी 3 जने आराम से बैठा सकते हो। देखो अभी गाड़ी पार्किंग मोड में मैं लगा देता हूँ, कहीं गाड़ी भागे ना, देखो इतना स्पेस बच रहा है। मेरा वेट 75 के राउंड है भाई, मोटा हूँ मैं यार, अच्छा खासा स्पेस है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी का भाई सीट इतना मुलायम होता है भाई, दिल खुश हो जाता है यार। बाकी स्पेस देख सकते हो, मतलब मेरे जैसा बंदा बैठे ना 2 जने आराम से बैठा सकते हो, लेकिन हाँ पतला पतला बैठो तो 3 जने भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेडीज वगैरह को भी बैठा सकते हो, चौड़ा सीट है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपको लेडीज वाला फुटबैग एसेसरीज के तौर पे लेना पड़ेगा। अभी देखो फ्लोरबोर्ड की बात करते हो तो मैं चप्पल खोल देता हूँ भाई, इनका क्यों गंदा करना गाड़ी, देखो इतना स्पेस है भाई, दुनिया भर का स्पेस है। एक बार स्टैंड मारने दो, यहाँ पे आप सिलेंडर वगैरह भी आराम से कैरी कर सकते हो, और स्पेस देख रहे हो भाई, मतलब हैंडल वैंडल आपको घुमाने में कभी दिक्कत होगा ही नहीं होगा। और टर्निंग रेडियस भी इसका मस्त है। सीट हाइट की बात करते हो तो आपको एक्टिवा से भी कम सीट हाइट मिलता है भाई इसमें, मतलब मेरा हाइट 5'10" है, मतलब 6 फीट का बंदा हूँ, लेकिन फिर भी भाई आप आराम से चला सकते हो। 5 फीट के भी बंदे हो, उससे भी कम हो, नाटे से नाटे लोग भी आराम से इस गाड़ी में चला सकते हो। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करा, जैसे आप ब्रेक दबाते हो ना तो देखो यहाँ पे कुछ अलर्ट करके आता है भाई इसमें, मतलब आपको बहुत सारा फीचर्स मिलता है, क्रूज कंट्रोल हो गया, टेम्परेचर भी बताएगा, इसके अलावा और कुछ है ECU करके है। वारंटी वगैरह की बात कर लेते हैं भाई, सब चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, जैसे 1 साल का आपको वारंटी मिल जाता है बैटरी का, इसके अलावा बैटरी के डिटेल के बारे में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे ओनर से ही। इसके अलावा इसमें कंट्रोलर आता है, चार्जर आता है, उन सब का भी भाई आपको 1 साल वारंटी मिलता है। बाकी सर्विस वगैरह की बात करते हो तो कुछ है ही नहीं भाई सर्विसेज का, क्या सर्विस होगा इसमें, चक्का वगैरह ग्रीसिंग होगा, इसके अलावा और क्या होगा यहाँ पे, ये तो दिखला ही नहीं भाई। यहाँ पे आपको ट्रिवो कार का बैजिंग मिल जाता है। अब इसकी बात करते हो तो ये भी अपने को फाइबर का ही मिलता है, और लुकिंग वाइज बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देख रहे हो ऐसे टाइप का अपने को मिल जाता है मिरर कार्बन के फिनिशिंग के साथ, और ये ऐसे ऐसे घूम भी सकता है, जैसे आप घुमाना चाहो आराम से घुमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली
बात है ही नहीं। यहाँ पे मैंने आपको पिलियन वाला फूडबैग दिखाया ही नहीं, यहाँ पे भी मिलता है इंटीग्रेटेड, इसके अलावा ये वाला भी सिस्टम है भाई। ऐसे लॉक कर दे तो आपको दबाना पड़ेगा तब जाके खुलेगा भाई। बाकी ऐसा दोनों साइड अपने को गार्ड मिल जाता है, बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह। सीट हाइट वगैरह के बारे में बात कर ली, नीचे की बात करते हो तो ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि भाई 10 इंच का टायर है, टच वगैरह हो सकता है। यहाँ की बात करते हो तो भाई बैटरी देख लो आप भाई, यहाँ पे आपका बैटरी है ना, तो टच तो नहीं होगा यार, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ तक बैटरी आ रहा है ना। बाकी बूट भी अपने को मेरे हिसाब से 25 लीटर का मिल ही जाता है भाई। एक बार मैं आपको ऐसे करके, ऐसे आप अगर आप लेफ्ट साइड करते हो ना तो आपका सीट खुल जाता है, देख रहे हो अच्छा खासा अपने को मिल जाता है। बाकी बैटरी देख सकते हो, ये भाई लिथियम आयन बैटरी नहीं है। चलते हैं जानते हैं बैटरी के बारे में, यहाँ पे MCB मिल जाता है। और भाई ये सब भी देखोगे तो ये थोड़ा सा इन्होंने टच दिया है तो प्रीमियम तो लग रहा है भाई, कुछ भी कहो। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वायरिंग वगैरह भी दिख रहा है भाई। अभी भाई इस चाबी को निकालते हैं, पॉकेट में रखते हैं और थोड़ा चलते हैं भाई बैटरी के बारे में जानने के लिए ओनर के पास। भाई देख लो यार, बड़ा प्रीमियम प्रीमियम सा गाड़ी दिख रहा है एकदम। मिलो ओनर से, कैसे हो सर जी? सर बढ़िया है, एकदम चकाचक हो ना, कैसा बिजनेस चल रहा है? एक नंबर चल रहा है। अभी मेरे को आपके वो जो लियो मॉडल है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए, बैटरी का। जी, तो क्या बैटरी का सिस्टम है इसमें? अपने क्या होता है देखिए आपको, मतलब बैटरी, हाँ क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। जी, एक होती है अपनी गाड़ी में लीड बैटरी अपने लगाते हैं, ये लीड बैटरी है पूरी छोटी वाली। हाँ, एक हो गया आपका ये लिथियम बैटरी। हाँ, तो लीड बैटरी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है इसमें आग नहीं लगता, कभी भी आग नहीं लगेगी। और इसमें कब आग लगता है? क्या होता है 50 डिग्री से ऊपर तापमान, जैसे आप धूप में गाड़ी खड़े करें। हाँ, हाँ, आप या तो हमारी बात मत मानिए। हाँ, गूगल करिए, आजकल तो सब चीज गूगल में पता चल ही जाता है। हाँ, हाँ, गूगल करके आप इसका पूरा चेक कर सकते हैं, जैसे कोई भी कंपनी होगी। हाँ, हाँ, सब में आग लग रहा है और आग लगने में कौन सी बैटरी है वो भी उसमें दिखाएगा। अच्छा अच्छा। और रिसेंटली अभी जैसे अभी अंबिकापुर में भी आग लगने की घटना आई थी, शोरूम में भी आग। हम लोग सलाह देते हैं कि आप लीड बैटरी ले लीजिए, फुर्सत हो जाएंगे। और लीड बैटरी में एक और खासियत है, ये बाद में जब खराब होता है एक गाड़ी में, जैसे हमारे जो लियो मॉडल है इसमें मात्र हमारी 4 बैटरी लगी। 2500 रुपए की एक बैटरी, टोटल आपका हो गया 10,000 की बैटरी। लिथियम बैटरी अगर खराब हो गया 3 साल बाद, अभी तो सब्सिडी है, जब सब्सिडी हटेगा तो 45,000 की बैटरी आएगी। 51,000 की गाड़ी में 45,000 की बैटरी। अच्छा एक बात बताओ, वारंटी वगैरह तो कम है, ये भी तो बताओ। तो वारंटी मतलब ये भी है, देखिए ये 1 साल वारंटी है, तो ये क्या करेगा, 1.5 साल जब होगा ना, 1 साल में खराब नहीं होता है, 1.5 साल के बाद हर साल 10-10 किलोमीटर आपका रेंज कम करेगा। अच्छा, अभी आपकी गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर, 1.5 साल बाद कर देगा 50। इसका गारंटी लेते हो आप? गारंटी, और एक गारंटी और लेता हूँ जो कोई शोरूम वाला नहीं लेगा, 51,000 की मैं गाड़ी दे रहा हूँ। हाँ। 2 साल बाद अगर आपको ऐसा मूड लग रहा है कि भैया मेरे को गाड़ी एक्सचेंज करना है, 50% में आप मेरे यहाँ एक्सचेंज कर लीजिएगा। अच्छा। मतलब आपकी गाड़ी का वैल्यू 25,000 रुपए 2 साल बाद दूंगा, जिसमें आपकी बैटरी खराब हो गई हो, मोटर खराब, कुछ भी खराब, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे को 25,000 रुपए वापस रिटर्न कर सकते हैं और दूसरा गाड़ी ले सकते। क्या बात है। बाकी इसमें अपने को कितना रेंज मिलेगा, इसमें कितना लगा हुआ है बैटरी? इसमें अभी 4 बैटरी लगा, जो मैंने अभी पीछे दिखाया, पीछे आपने जो दिखाया उसमें 4 बैटरी लगा, मतलब 45 वाट 60 किलोमीटर गाड़ी चलेगा। हाँ, हाँ। उसी को आप बढ़ाना चाहते हो, मैं 5 बैटरी लगा दूंगा जिसमें आपको 75 किलोमीटर गाड़ी चलेगा। अच्छा, 51,000 में आप कौन सा दोगे, 4 बैटरी वाला? अच्छा अच्छा अच्छा। उसी के जगह अगर आप उसको 5 लेना चाहते हो तो 60,000 रुपए लगेगा, क्योंकि उसमें कंट्रोलर चार्जर पूरा चीज चेंज होगा, इसको 60 वाट का गाड़ी बनाया जाएगा। अच्छा ऐसा, और उसमें कितना चलेगा किलोमीटर? इसमें आपको 75 किलोमीटर 75 चलेगा। मतलब आप ये मान लीजिए यहाँ से आप लखनपुर जाके लखनपुर से वापस आ सकते हैं। अच्छा, मेरे को तो आइडिया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये लिथियम का क्या सीन है? लिथियम ये रहता है, इसका भी सेम वही है, आप 48 वाट इसमें मिलेगा, 60 वाट मिलेगा, जैसे उसमें लिखा भी हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे ये 48 लिखा है ना, ये 48 वाट का है। अच्छा, इसको आप लगा देंगे किलोमीटर वही है, ये 60 किलोमीटर ही चलेगा। अच्छा, लेकिन इसमें बस ये 3 साल वारंटी तो मिल गया, लेकिन कल के डे में जब खराब होगा तो आप 40,000 रुपए मोटा पैसा लगेगा, क्योंकि अभी देखिए सब्सिडी का खेल है, सब्सिडी में हमले को है 5% GST। अच्छा, बाद में खरीदेंगे 28%, तो अगर आप 30,000 का चीज में भी 28% GST लगा देंगे, 40-42 पड़ रहा है, और वही चीज आप 10,000 का भी ले रहे हैं 15,000 का, तो फर्क आ रहा है ना। हाँ ये तो बात है कि ये सब भाई दूसरा मॉडल है, भेसपा से इंस्पायर्ड, देख रहे हो भेसपा जैसा लग रहा है एकदम, मतलब बहुत सारा मॉडल है भाई इनके पास, तो एक बार आप आके विजिट करना। बाकी भाई स्विच वगैरह ठीक है, प्राइस के हिसाब से ठीक है भाई, क्वालिटी अगर आपको एक नंबर मिलता है कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मैं तो भाई इस चीज़ से ताजुब हूँ, कीलेस एंट्री आपको 51,000 में मिल रहा है, और क्या लोगे भाई। एक और क्वेश्चन बताइए जी, जी। ये वारंटी वगैरह का इसका क्या सीन है? वारंटी तो हम लोग पीस टू पीस करते हैं, ये कोई भी सामान कंपनी नहीं जाएगी, मतलब आपको। अच्छा, जैसे एक बात बताइए मेरे को, मैंने एक गाड़ी खरीदा जी, कल को चल के कुछ भी प्रॉब्लम आता है इसमें,
जैसे कल के डेट में इसकी बैटरी खराब हो गई, हाँ, या आपका मोटर खराब हो गया, चार्जर खराब, हाँ, हाँ, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भैया जब कंपनी से आएगा मैं तब दूंगा। मेरे यहाँ ये सिस्टम है, आप प्रॉब्लम बता दीजिए, पीस टू पीस मेरे से नया लेके ओकिनावा वाले बहुत लफड़ा करते हैं, वो आप उनका देख लीजिएगा, मेरे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं, वैसा नहीं होना। मेरे यहाँ अगर कोई भी आप गाड़ी ले रहे हैं, मैं यहाँ जुलाई में गाड़ी का शोरूम खोला हूँ, पर डे एक गाड़ी का मेरा एवरेज जा रहा है। क्या बात है सर जी, बहुत बहुत बधाई हो। 180 किलोमीटर अभी डाल्टनगंज भी भेजा हूँ, आपका रेणुकोट भी गया है, रायपुर में चल रहा है, बिलासपुर चल रहा है, डीलरशिप, हाँ, डीलरशिप का ये है कि अगर कोई खुद का अगर ये इसका काम करना चाहता है, आपको सिर्फ 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा। 3 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, आपको 4-5 गाड़ी अपने हिसाब से आप छाट सकते हैं और इसमें आप खुद का शोरूम खोल सकते हैं। और इसमें बाकी अगर आपको सर्विस का भी दिक्कत जाएगा तो हम वहाँ पे आपके डोर स्टेप में यहाँ से आदमी भेज के सर्विस भी करवा देंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसका बता दीजिए, इसमें कितना सर्विस आप फ्री दे रहे हो? इसमें 3 सर्विस होता है हम लोग फ्री दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 4-5 सर्विस करवा रहे हैं नॉमिनल टाइप का, मतलब कोई आवाज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसका आपसे कोई चार्ज नहीं दिया जाए, कुछ भी नहीं, कोई भी चार्ज नहीं। अच्छा। लिखित में मतलब 5-6 सर्विस कई लोग करवा भी रहे हैं तो हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं। अच्छा, ऐसा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसका क्या सीन होता है, कितना किलोमीटर पे होता है सर्विसिंग वगैरह, मेरे को आइडिया नहीं है। नहीं, वो है हर महीना आप करवा सकते हैं, 2 महीना में करवा सकते हैं, फिर यूज के ऊपर है कितना यूज कर रहे हो। 60 किलोमीटर है, डेली अप डाउन कहीं कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 महीना में करवा लीजिए। तो किलोमीटर का कोई इशू नहीं, किलोमीटर का कुछ इशू, जैसे हमारे गाड़ी में क्या होता है ना, 500 पे करा लेना है, 2000 पे करा लेना, वो इसलिए रहता है क्योंकि अपने में मोबाइल वाला चक्कर है, इसमें मोबाइल है नहीं, आप बिजली में चार्ज करिए बस चलाते रहिए, एक हिसाब से अपन को साइकिल मिल गया अपन चला रहे हैं। भाई अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप देख सकते हो भाई क्या मजा आ रहा है यार, और ढनढन का कुछ आवाज नहीं है। ये मैं ज्यादा क्लिप नहीं डालूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा भाई, आप लोग बोर हो जाओगे, मगर मजा आ गया भाई, ब्रेक्स वगैरह भी अच्छा काम कर रहा है। बाकी राइड रिव्यू देखना है इसका, ज्यादा डिटेल में देखना हो तो। यहाँ पे आपने देख लिया भाई ओरिटिसू कंपनी का लियो गाड़ी, और यहाँ पे आप जरूर विजिट कर सकते हो भाई सुषमा ऑटोमोबाइल्स। इनका मैं एड्रेस बताऊँ तो भाई SBI के ब्रांच के पास आप आ जाना, मेन ब्रांच जो है जस्ट उसके आपको सामने मिलेगा, महामाया चौक के पास ही है भाई। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार आओगे ना SBI के पास तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा भाई इनका शोरूम। तो बहुत ही बढ़िया लगा भाई गाड़ी, मेरे को प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया लगा भाई। कभी मौका मिला माता रानी कृपा से तो इसका राइडिंग रिव्यू भी मैं आपको दूंगा, मतलब चला के देखेंगे, इसके अलावा इसका रेंज भी टेस्ट करेंगे भाई, मतलब ये प्राइस के हिसाब से 60 किलोमीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो पता चलेगा भाई, तो मज़ा भरपूर आएगा अगले वाले वीडियो में भी, मौका मिला तो देखेंगे भाई। यही थी भाई वीडियो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।